सो ऑलराइट गाइस, वेलकम टू द पार्ट टू। टाइम क्या हो रहा है भाई? टाइम हो रहा है 12:16 हो रहे हैं और स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में आज की। तो भाई हैंड ब्रेक का ये था, वो क्यों हो गया? बहुत ज़्यादा वो हो गया भाई, क्या कहते ढीला। पीछे से कार आ रही है, उसको यार क्या मरमर क्या आ रही है, तेजी से आ स्कूटी आ रही है। अब हम निकाल लेते हैं इसके बाद। लो जी चलो। तो अभी जो है हमारा जो आज का प्लान है, जैसे कि आपको मैं बता दूं पहले ही, फिर आप बोलोगे कि भाई क्या कर रहा है ये लौंडा। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि हम इस चैनल के ऊपर बनाते हैं कार व्लॉगिंग, समझ लो कार व्लॉगिंग। और आगे आने वाले टाइम में हम कार के साथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहती हैं वो हम इस चैनल के ऊपर लेकर आने की कोशिश करेंगे। अभी हम जितना कर पा रहे हैं उतना हम करने की पूरी कोशिश में हैं। तो अभी आप जो हो ड्राइव एक्सपीरियंस देख सकते हो भाई किस तरह से रहता है, क्या मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू वीडियोज़ आई हैं, फर्स्ट पर्सन का जो व्यू रहता है उसकी वीडियोज़ आई हैं। तो आपको वो सारे क्या कहते हैं उसे एंगल्स मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, जिन एंगल्स पर हम जो हैं वीडियो को शूट करते हैं। सो यहाँ पे अभी जो है अभी कितना है, अभी जो है अभी 17 हो गए ना। पीछे मैंने बताया क्या टाइम बताया? मैंने बताया शायद, है ना, बताया शायद मेरा टाइम लगता है। मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो गया अब सीन। पहले तो ठीक ठाक ही था, रोड ख़राब हो गया मतलब वहाँ पे थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। ओ भाई साहब जल्दी निकाल, यहाँ पर पहले ट्रेनें चलती थी बट अब कोई नामो निशान नहीं। मैं कभी गया नहीं हूँ इस रोड के ऊपर, पर फिर भी मैं कभी मतलब जाना चाहूँगा इस रोड के ऊपर। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस रोड के ऊपर है क्या, समझ रहे हो ना भाई इस बात, देखिए तो सही है क्या। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपने एरिया में रहा तो काफ़ी मतलब टाइम पे हूँ बट कभी घूमा नहीं, समझ रहे हो ना, इतना घूमा नहीं। तो अभी बाहर धूप काफ़ी है, बाहर धूप एकदम जैसे होता है ना लिशक कारें मार रही है, और बच्चों को स्कूल से हो चुकी है छुट्टी। भाई मैं मेरे को यार मैं मजाक नहीं कर रहा यार, जब हमारा टाइम होता था हमारे टाइम पे क्या कहते 2 बजे छुट्टी होती थी, 1-2 बजे, है ना। आज के टाइम पे बच्चों को 12 बजे छुट्टी हो रही है भाई, क्या मजे, मैं कहता हूँ मजे चल रहे हैं बच्चों की तो मजे चल रहे हैं, मजे बहुत बढ़िया। तो अभी जो है हम यहाँ से जाएंगे, तो गाइज हम जो है हो सकता है हमें दिल्ली का टूर मारना पड़े, मतलब पॉसिबिलिटी है। इन्होंने रोड को बड़ा कर ना, वैसे रोड चोड़ी है पर रोड मेन रोड चोड़ी है ना मेन, और यहाँ के जो प्लॉट हैं वो शायद बिक ही गए होंगे, क्योंकि ये यहाँ का ना हमारा आउटस्कर्ट मतलब आउटर इलाका पड़ता है और पोर्ट्स इलाका ये हमारे इधर का। यहाँ पर मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि ये इसके ये जो आपको घर दिख रहे हैं ना यहाँ, मैं घर ही क्या ये जो भी है दुकानें हैं इसके पीछे पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है एक। तो क्योंकि वो जो धर्मशाला वाली रोड है ना वो इसके पीछे से जाती है, पर उसको जाने के लिए हमें वो वहाँ से घूम के जाना पड़ता है, तो पीछे से मैंने आपको बताया हुआ ना उस साइड से। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब बने हुए हैं ये अपने कार वगैरह, यहीं से रहता है उसको क्या बोलते हैं इसको, ये जो अपना यार कार स्टैंड नहीं यार, जहाँ पर खराब गाड़ियाँ जो हैं रखते हैं ये वो। और यहाँ से अभी जो है हम निकलते हैं, कार को डाल के दूसरे गियर पे, चलो भाई। ओ भाई साहब इसी चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा था और ठक करके बजा टायर, ठक ठा, ओए ओए कुत्ता। चल यार अब सीधे सीधे ही चलते हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो अभी सिटी के अंदर जाने के लिए हमको ऐसे को मुड़ने का, बस अभी अपने पास थोड़ा सा टाइम है। तो उस थोड़े से टाइम का हम करते हैं इस्तेमाल, और इस्तेमाल करके हम उस थोड़ा से टाइम का थोड़ा इधर को जाके घूम के आते हैं, आपको मॉल वगैरह दिखाते हैं, और फिर हम इसी रोड से वापस चले जाएंगे सिटी की ओर, समझ रहे हो ना गाइस। जल्दबाजी नहीं करते बच्चा, जल्दबाजी नहीं करते,
तुम्हें मालूम नहीं कार आ रही है, रेंज रोवर, ओह माय गॉड, बहुत जल्द। पर वो जल्द क्या है वो हमको मालूम नहीं है। वैसे मैंने अभी एक चीज नोटिस करी, जब मैंने कार घूम रहा था ना, वो जो बैरिकेडिंग था वो कार के बहुत पास आ गया, बहुत पास। 100 स्पीड में तो कभी नहीं कार को बैरिकेडिंग से निकालना, क्योंकि वहां पे किसी जैक स्नेक स्नेक टाइप आपका वो रहता ना, तो वो तो कभी नहीं करना भाई साहब, थोड़ा साइड कर लो, बाद में बोलोगे कि हो गया कुछ। तो अभी हम जो हैं सीधी की ओर चलते हैं, और अपनी वीडियो को पता नहीं मेरी कोई वीडियो कितनी बड़ी हुई है, और मैं क्या ब्ला 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 कर रहा हूँ। आई होप आपको फर्स्ट पर्सन जो वीडियो है वो मतलब सही लग रही हो। फिर आगे आने वाले टाइम में हम और भी काफ़ी कुछ करेंगे भाई साहब, करेंगे। तो जब भी आपकी मतलब एकदम स्ट्रेट चल रही होती है कार, एकदम सीधा जैसे इस वक्त है, तो आप तब यहाँ से पकड़ सकते हो। पर जब आपको मोड़ मोड़ काटना होता है तो मेक श्योर कि आप यहाँ से काटो, क्योंकि यहाँ से एंगल, यहाँ से पकड़ो है स्टेयरिंग व्हील को, क्योंकि यहाँ से एंगल बनेगा, एंगल समझ रहे हो। ये देखो अभी ऐसे मैं कर रहा हूँ, एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ से आसानी से इधर ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा हो। अगर यहाँ से पकड़ोगे तो ये सही नहीं, ये मतलब जो मेरे को लगता है वो कह रहा हूँ, बाकी तुम पर है यार, जो तुम करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। मोस्ट हैप्पी 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 वाला चीज़ है यहाँ पे। ओहो, तो वहाँ से वो जो ग्रीन बोर्ड है ना सामने, वहाँ से हम मारेंगे रिवर्स, और रिवर्स मार के मारेंगे इस रोड के ऊपर। तो ये रहा यहाँ का मॉल, नोवेल्टी मॉल, ट्रू वैल्यू, ये सारे। और यार ये ट्रेंड्स बंद नहीं हो गया था। चलो मोड़ काटने का समय हो गया, रश भी नहीं है, समझ रहे हो ना, रश भी नहीं है। महिंद्रा के सामने से हम मोड़ काट रहे हैं, महिंद्रा के सामने से काट लो, कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, कट गया। ओहो हो भाई भाई, नई नई गाड़ियां आई हैं भाई, नई नई गाड़ियां आई हैं गाइस, नई नई गाड़ियां आई हैं हुंडई वालों की, हुंडई वालों की नई गाड़ियां आई हैं। हुंडई का शोरूम है वहां पे, वो जो वहां पे गाड़ियां डिलीवर हो रही है ना उस जगह पे। तो गाइस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये व्हाइट कलर क्यों बिकता है गाड़ियों पे इतना, व्हाइट, व्हाई। अरे अंकल, सो ऑल राइट गाइज, अब हम मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन।